इतने सूखी नहीं है, सुपर पायलट है, सुपर जेट है ये भैया, ये सूखी है ना हमारे ये भैया लोग है। हाँ आप तो जानते हो कि टीका मलका टिल्लू की क्या हालत है, भिखारी लोग हैं, गरीब है, नल है, छुरियाँ छेड़ने के अलावा कोई काम ना है इनके पास, काम धंधा तो होता नहीं इनके पास, तो मर कुट के जो है भैया के पास में, दोनों भैया के पास में काम लेने के लिए चले जाते हैं। अब जो हमारे विभूति भैया है ये भी नल ही है मोहल्ले के अंदर तो इन्होंने क्या अपना बिजनेस खोल लिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, सक्सेना भैया ने दोनों ने ये मालिश वालिश करने के लिए, और हम थोड़ा जो है लड़कियों की भी लड़कियाँ वड़कियाँ बने हुए हैं तो हम मसाज के लालच में हम इनके पास मालिश करवाने के लिए जा रहे हैं, और मालिश तो हो रही है जो रही है, सिर्फ दम हम दिखा रहे हैं हमारे ऊपर ही है, सॉलिड वाली कुटाई कर रहे हैं हमारी है। और हम जो है किसी का ताला तोड़ रहे हैं मसाज करवाने के लिए, किसी की जेब काट रहे हैं, किसी क्या कर रहे हैं, ये जो हमेशा करते आए हम। हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ मसाजेस दे रहे हैं मेरे को ये, पर अलग अलग तरह की, कोई मतलब कोई सैंडविच मसाज, बर्गर मसाज, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी कि कैसी कैसी मसाज दी मेरे को, ज़बरदस्त मसाज, कोई वो पुलाव मसाज, बिरयानी मसाज और गोलगप्पा मसाज, ओहो पूछो मसर कैसे कैसे मसाज है, और अभी इतना ठोक लिया उसके बाद बोलते हैं कि कटेल मसाज भी चाहिए क्या, मैंने कहा भैया राम राम मेरी बर्गर मसाज ही अच्छी है। हाँ देखो अभी तो दौर शुरू हुआ है हमारा, दो तीन मसाजें हुई है, दो तीन मसाजें और बाकी है, और जितनी जितनी मसाज आती जाएगी उतने में आप लोगों को रंग मिलते जाएंगे, हंसी के फुहारे छूटते जाएंगे।